हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जितेंद्र है और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल इजी फार्मिंग में। और आज मैं आपको एक अपडेट देने जा रहा हूँ। जो आपने जहाँ आप स्नेक प्लांट को जानते होंगे जिसे सेंसवेरिया भी कहते हैं, मेरे पास मिनिएचर या आप कह लें ड्वार्फ कैटेगरी का एक स्नेक प्लांट था। आप ये देख पा रहे होंगे छोटे छोटे से होते हैं ये, बिल्कुल इतना था, मुश्किल से 3-4 इंच के। ये देखिए बस इतने ही होते हैं, आप देखना चाहेंगे तो इतने छोटे छोटे से ही होते हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, मुश्किल से 3 से 4 इंच के। अगर आप मैं इसको देखूं तो इतना है, ये साइज है इतना। तो मैंने आज से 4-5 महीने पहले इसका एक पत्ता तोड़ के जिसे ड्वार्फ स्नेक प्लांट कहते हैं या मिनिएचर स्नेक प्लांट, इसका एक पत्ता तोड़ के ऐसे ज़मीन में, आप ये देखना चाहेंगे, ज़मीन में लगा दिया था। ये वाला जो पत्ता देख रहे हैं आप, ये वाला, इस वाले पत्ते को मैंने ज़मीन में ऐसे के जैसे यहाँ से तोड़ा, इसको तोड़ा और ज़मीन में यहाँ लगा दिया। जो बारिश का सीज़न था तो मैं इस टाइम अभी दिल्ली नजफ़गढ़ में हूँ, तो बारिश के सीज़न में लगाया था। तो करीब करीब आप ये देख लीजिए आज से 4-5 महीने हो चुके हैं, 2 से 3 महीने में इसको फुटाव, जो इसमें से पत्ते से, जो हम कहते हैं कि पत्ते से प्रोपोगेशन कर सकते हैं इजीली। अब ये देख रहे हैं इसमें 2 प्लांट निकल गए पत्ते से, एक ये और एक, आप ये देखेंगे एक ये वाला और एक ये वाला देखेंगे आप इजीली। अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा इसको, क्योंकि मैंने खुद अभी तक इसे निकाला नहीं था। तो अभी ये देखिए, ये जड़ें आई हैं, ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको अगर दिखाऊं तो अभी देखिए जो पत्ते के नीचे का हिस्सा है, एक बार मैं इसे पानी में साफ कर लूं, आपको दिखाता हूं पानी में साफ करके। अब आपको कुछ साफ नजर आएगा, अभी देख रहे हैं पत्ते का जो नीचे का हिस्सा है, यहां से इसने फुटाव लेना शुरू किया है। देखिए आप, यहां से इसके 2 प्लांट्स निकल गए, आप ये देखेंगे, ये देखेंगे आप, यहां से एक ये तोड़ दिया है और इसको, अगर इसको चाहें आप तो इसको यहाँ से तोड़ दीजिए और इसको लगा दीजिए, और इसको भी आप दोबारा लगा देंगे क्योंकि इसमें अब जड़ें आ चुकी हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप, जड़ें आ गई हैं। ये जड़ें आ गई हैं, तो अब इजीली ये इसको आप ऐसे ही दोबारा मिट्टी में लगा देंगे तो मिट्टी में लग जाएगा और फिर से इसमें से एक स्नेक प्लांट निकल जाएगा। और आप इसको, और ये जो 2 हमने अलग अलग किए हैं, 2 ये वाले, इनको एज इट इज सॉइल में दबा दीजिए या गमले में लगा दीजिए, जहाँ पे भी लगाने हैं, एक से इतने निकल जाएंगे। आप ये देख रहे हैं,
एक इसमें से एक प्लांट मैंने लगाया था, मैं अपने अंकल के यहाँ से लेके आया था इसको, उनके बहुत लग रहे हैं, बहुत क्या, एक उन्होंने भी एक लगाया था और बहुत सारे हो गए थे। तो एक से ये देख लीजिए पूरा गमला भर गया है, एक तोड़ के फिर मैंने इसमें लगाया था, इसमें भी देख लीजिए पूरा गमला भर गया है ये। वैसे ही अब आप इन, अब मैं इनको भी एक अलग पॉट में लगा दूंगा और कुछ महीने बाद फिर से ये पूरा पॉट भर देंगे और इस पेड़, इसको पत्ते को मैं यहीं दोबारा लगा दूंगा। और फिर से कुछ दिनों बाद इसमें से जो है एक प्लांट निकल जाएगा। तो ये अपडेट मैं देना चाह रहा था आपको, मैं दे नहीं पाया, काफ़ी टाइम लग गया। मैं सोच रहा था वीडियो बनाऊंगा इस बारे में, लेकिन कुछ समय नहीं मिल पाया मेरे को, इस बारे इस वजह से नहीं बना पाया। तो ये मेरा एक अपडेट था, इजीली है, इजी बुक है बहुत ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपको पत्ता तोड़ना है, बिल्कुल नीचे से पत्ता तोड़ना है और उसको एज इट इज़ इसमें लगा दें, उसको पानी उसमें रहना चाहिए, मिट्टी सूखे ना, पानी नमी रहनी चाहिए उस मिट्टी में। यही मैंने एक्सपीरियंस किया है इस स्नेक प्लांट प्रोपोगेट करने के लिए, स्नेक प्लांट को। तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।